गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन है कि कोई चीज कितनी ज्यादा इकट्ठा हो रही है। इंटीग्रेशन टेल्स हाउ मच इज समथिंग एक्यूमुलेटिंग। कोई चीज कितनी ज्यादा इकट्ठा हो रही है। इसका एक एग्जाम्पल है, जब आप मूवी को डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा होगा पहले मिनट में मूवी इतनी डाउनलोड हुई, दूसरे मिनट में जो मूवी है वो इतनी डाउनलोड हुई, तीसरे मिनट में मूवी इतनी डाउनलोड हुई। तो यहां क्या हो रहा है, डेटा एक्यूमुलेटेड। यहां पे क्या हो रहा है, आपके मोबाइल और लैपटॉप में जो डेटा है वो क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो उसका सेंस क्या है, यानी कि वो कितनी जगह घेर रहा है आपके मोबाइल आपके लैपटॉप में, वो कितनी स्पेस घेर रहा है, दैट इज द एरिया। यानी कि डेटा एक्यूमुलेटेड इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड। अगर कहीं कोई डेटा इकट्ठा हो रहा है तो वो किसी ना किसी एरिया पे हो रहा है, किसी ना किसी जगह इकट्ठा हो रहा है, तो उसी को ही हम लोग डेटा एक्यूमुलेटेड इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है स्पीड और टाइम का ग्राफ पढ़ा हुआ है। अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर ये स्पीड है ये टाइम है। जब स्पीड और टाइम का ग्राफ करते हैं तो हमें क्या चीज इकट्ठा होती है, डिस्टेंस इकट्ठा होती है। यहां पर स्पीड और टाइम में क्या चीज इकट्ठा हो रही है, डिस्टेंस इकट्ठा हो रही है। यहां पर क्या चीज हो रही है, यहां पर एक फोर्स है और डिस्टेंस है, तो यहां पर क्या चीज इकट्ठा हो रही है, वर्क इकट्ठा हो रहा है। यानी कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं इसका संबंध किससे है, इंटीग्रेशन का एरिया से है, कि हम कितना एरिया एनक्लोज्ड है। अब हम लोग यहां देखते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एरिया आपको फाइंड करना है तो आप बहुत आराम से फाइंड कर लेंगे, या तो स्क्वायर है या आपका रेक्टेंगल है। जो भी आपका एरिया लाइन सेगमेंट से बाउंड होता है उसका एरिया फाइंड करना आसान है। तो आपने इसका एरिया फाइंड कर दिया। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर स्पीड कांस्टेंट है, यहां पे फोर्स कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, यहां फोर्स कांस्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। और स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर आप एरिया निकालते हैं तो वो निकालना एरिया आसान होता है, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल बहुत कम होता है। कि मान लीजिए आप अपने घर से निकले, अपनी कार से निकले और सेम स्पीड से आप अपना घूम फिर के वापस आ जाए, दैट रेयरली हैपेंस। बहुत ऐसा जो है प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो अब प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई, अब मान लीजिए स्पीड आपकी, भाई जब आप कार से निकले तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मूवमेंट पर आपने अपनी स्पीड को बढ़ाया होगा, कम किया होगा। तो अब यहां से हमारे कहानी का विलन शुरू होता है, क्योंकि अब अभी तक कहानी चल रही थी स्ट्रेट लाइन वाली, कि आप आराम से, यहां पर क्या हो रहा था, यह कॉन्स्टेंट था, यहां पे स्पीड कांस्टेंट थी, यहां फोर्स कांस्टेंट था। लेकिन यहां पर अब क्या हो रहा है, यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपने घर से निकले कार से और आपने अपनी स्पीड को बढ़ाया, समय के साथ साथ अपनी स्पीड को बढ़ाया। अब क्या हो रहा है, यहां पर एक कर्व आ रहा है और यहीं से हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। अब मैं थोड़ा सा इसको जनरलाइज कर दे रहा हूं, स्पीड और टाइम को बात को हटा करके मैं बात करता हूं। मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और उनके बीच में कोई रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है। जैसे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स आपने वन रखा तो वाई वन आएगा, एक्स आपने टू रखा तो वाई फोर आएगा। यानी कि उनके बीच में एक स्ट्रांग रिलेशनशिप है, एक्स और वाई के बीच में, उन दोनों फंक्शंस के बीच में स्ट्रांग रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। उनके बीच में एक स्ट्रांग रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या आई और धीरे धीरे उस प्रॉब्लम को हमारे मैथमेटिशियन ने किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की। अब हमारे मैथमेटिशियन ने क्या काम किया, उन्होंने रेक्टेंगल्स को बना करके एरिया फाइंड करने की कोशिश की। उन्होंने इस एरिया को रेक्टेंगल्स में बांटने की कोशिश की, लेकिन एक्यूरेट एरिया नहीं मिल पा रहा था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अप्रोक्स में पहुंच जा रहे थे वे लोग।
किसी ने इस स्पेस के 3 पीस किए, किसी ने 4 किए, किसी ने इसके स्पेस के 10 पीस किए। तो होता क्या था, जब पीसेस बढ़ते थे तो ये वाला जो एरिया जो इस समय आपको ज्यादा दिख रहा है वो एरिया धीरे धीरे कम हो जाता था। यानी कि जितनी स्ट्रिप्स, जितने रेक्टेंगल्स आप बनाते जाएंगे तो क्या होगा, आपका ये जो एरिया यहां पर ज्यादा दिख रहा है वो एरिया बहुत कम दिखने लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई कि कितने रेक्टेंगल्स बनाई जाए। तो यहां पर हमारे मैथमेटिशियन ने एक कॉन्सेप्ट निकाला, मैं उस कॉन्सेप्ट का आपको बताता हूं। आप लोगों ने वो कॉन्सेप्ट क्लास 8 से पढ़ रखा है। कैसे पढ़ रखा है, आपके टीचर ने एरिया ऑफ सर्किल का आप लोगों से प्रोजेक्ट बनवाया होगा। उसमें क्या काम किया होगा उन्होंने, उन्होंने सर्किल के एक सर्किल बनाया और उसके 8-10 पीस जितने भी आपके टीचर ने बोले होंगे उनको पीसेस किया होगा, और उसके बाद उनके जो फिगर्स हैं उसको उन्होंने मिला करके इस टाइप से एक फिगर आप लोगों के सामने बनाया होगा। ऐसे इस टाइप से कुछ आपको जरूर बताया होगा उन लोगों ने, इस टाइप से ये ऐसे करके उन्होंने बताया होगा कि आप इनको इस टाइप से रखिए, और इससे क्या होगा आपका, क्योंकि ये आपकी रेडियस हो जाएगी। और आप सभी को पता है कि जो एरिया ऑफ सर्किल का जो जो पूरा सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। तो ये आपका r हो गया, ये πr ऊपर हो गया, πr नीचे हो गया, तो πr इंटू r करके πr स्क्वायर उन्होंने निकाला। बच्चों मैं थोड़ा सा और इसको जनरलाइज करता हूं, ये तो आपने क्लास 8 में पढ़ा है, मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहां करता हूं। आपके टीचर ने कहा कि यहां पे 4 पीस किए, 8 पीस किए, मान लीजिए यहां पर अभी ये कंप्लीटली रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है आपको। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि उतना जितने ज्यादा पीस होते जाएंगे उतना ये फिगर रेक्टेंगल के पोज में आता जाएगा। तो हमारे मैथमेटिशियन ने इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट का यूज किया कि अगर मैं उस सर्किल के इनफाइनाइट पीस करूं, यानी कि ये जो आपको इस समय कितने पीस दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, उन्होंने उसके पीसेस को ये इमेजिन किया कि अगर मैं इसके इनफाइनाइट पीस करूं तो ये पूरा पूरा शेप जो होगा वो रेक्टेंगल के शेप में आ जाएगा। पाई आर इंटू आर करके हम लोग सर्किल का एरिया निकाल लेंगे। इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहां किया गया, उन्होंने इस स्पेस को इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया। जब इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया तो ये जो एरिया जो मैंने अभी आपको बताया कि जितनी ज्यादा आप रेक्टेंगल्स बनाएंगे उतना ये एरिया कम होता रहेगा, जब इसमें इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट लगाया तो वो एरिया जो है गायब हो गया। गायब हो गया का मतलब है वो एरिया आपको मिलेगा ही नहीं, यानी कि हम लोग उस एरिया अंडर द कर्व उसका एरिया हम लोग बिल्कुल सही फाइंड कर लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने एरिया ऑफ सर्किल फाइंड किया। अब यहां पर यह प्रॉब्लम आई कि ये कहना बड़ा आसान है, लुक्स ग्रेट ऑन पेपर बट एक्सट्रीमली पेनफुल। ये पेपर पे बहुत आसान लगता है कि ऐसा होगा, तो इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना बहुत टेढ़े खीर है बच्चों। अब यहां पर हमारे मैथमेटिशियन लोग सफल तो हुए, लेकिन वो लोग इनफाइनाइट का एरिया रेक्टेंगल्स का निकालने में प्रॉब्लम थी। फिर थोड़ा बहुत और इसके बारे में हमारे मैथमेटिशियन लोगों ने सोचा, तो उन लोगों ने क्या काम किया, डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट का यूज किया। उन्होंने हम लोगों ने इस फंक्शन का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो उन्होंने क्या काम किया, किसी भी एक्स पॉइंट पर एरिया कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, उससे क्या हुआ बच्चों, उससे मैं आपको समझाता हूं क्या बात हुई। किसी भी एक्स पॉइंट पर एरिया कितनी तेजी से चेंज हो रहा है एक्स के कंपेयर में, तो यहां पर क्या काम हुआ बेटा, यहां पर डीए बाई डी एक्स जो एरिया है इस आपको इस फंक्शन का एरिया फाइंड करना है। तो डीए बाई डी एक्स इक्वल टू, उन्होंने एक ऐसा इंटरवल लिया डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स जीरो भी नहीं है, एक बहुत स्मॉल इंटरवल लिया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स, किसी भी एक्स पॉइंट पर एरिया कितनी तेजी से चेंज हो रहा है एक्स के कंपेयर में, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। अब इसका एरिया कैसे फाइंड होगा, अब आपको पता है
कि जो एरिया होगा, जो आपने अप्रोक्सीमेशन में पढ़ा है, एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब जब इसको कैंसिल किया तो क्या आ गया, ए डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट का यूज क्या था कि जिस फंक्शन का आप एरिया निकालने की कोशिश कर रहे थे उसका डेरिवेटिव ही वो फंक्शन है। इस कॉन्सेप्ट को उन लोगों ने यूज किया कि जिस फंक्शन का आप एरिया निकालने की कोशिश कर रहे थे, अगर उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालें तो वो फंक्शन होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, यानी कि जिस फंक्शन का आप एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस फंक्शन का डेरिवेटिव ही वो फंक्शन होगा। ये कॉन्सेप्ट का यूज हमारे मैथमेटिशियन लोगों ने किया और उन्होंने देखा कि हमारे बहुत सारे मैथमेटिशियन लोगों ने ऐसे फंक्शंस बना रखे थे कि जिसका डेरिवेटिव जो है, अगर डेरिवेटिव करें, जैसे आप लोग पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे मैथमेटिशियन लोगों ने, जिसको मैंने एक्स और वाई में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बताया, इस टाइप के फंक्शंस उन्होंने पहले से ही बना रखे थे। तो हम लोगों को काम बहुत आसान हो गया, हम लोगों को पका पकाया मिल गया और हम लोगों ने आराम से एरिया अंडर द कर्व निकालना सीख लिया। अब मैं आपको एक और इसमें चीज समझाता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर सी को ऐड कर दिया जाता है, इसको भी आप समझ लीजिए। आपकी एनसीईआरटी की बुक में पैराबोला के फोटो बनाए गए हैं, एक पैराबोला जो है वो इस टाइप पैराबोला है, फिर उसके बाद एक फिगर बुक में ऐसे दिया गया है, फिर बुक में ऐसे दिया गया है। तो इसका एक यहाँ पे सी क्यों लगाया गया, मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, टू एक्स आएगा। अगर आप वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 2x आता है। y equal to x square plus 25 का differentiation करेंगे तो क्या आएगा, dy by dx equal to 2x आएगा। अब अगर मान लीजिए आपको उल्टा काम करना है तो भाई इसका भी आंसर 2x आ रहा है, इसका भी आंसर 2x आ रहा है, इसका भी आंसर 2x आ रहा है। तो जब हम उल्टा काम करेंगे तो हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि हमारे उस वाले फंक्शन में कोई कांस्टेंट है या नहीं है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हो सकता हो उस वाले फंक्शन में कोई कांस्टेंट रहा हो, इसीलिए हम लोग यहां पर प्लस सी लगाते हैं। थैंक यू।